हाय गाइस, दिस इज़ रैच एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैच किचन। गाइस, आज मैं बना रही हूँ एनर्जी बॉल्स हेल्दी लड्डू। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, हेल्दी है और खाने में बहुत टेस्टी भी। सो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस मज़ेदार लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में एक कप इंस्टेंट ओट्स को लो टू मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्विकर के ओट्स यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कंटिन्यूसली हम इसी तरह स्टर करते रहेंगे ताकि ओट्स जले भी ना और अच्छे से रोस्ट भी हो जाएँ। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेंगे। अब हम वही सेम पैन यूज़ कर लेंगे और एक कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है। इसे भी हमें करीबन 3 से 4 मिनट लो हीट पे ड्राई रोस्ट करना है। इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेंगे। हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इसमें जाएगा 1 कप रोस्ट किए हुए ओट्स एंड 1 कप रोस्ट करे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स। इसी के साथ 1 कप डेट्स, डेट्स के मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और नंबर ऑफ़ पीस की बात करें तो ये 27 डेट्स हैं। और डेट्स हमें लास्ट में डालना है क्योंकि ये वाले ब्लेंडिंग जार का जो ब्लेड होता है छोटा होता है, तो अगर हमने पहले डेट्स डाल दिए तो वो उसमें चिपक जाएंगे और आपका ब्लेड भी ख़राब हो सकता है। सो इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट में डालें। अब हम इसको सिंपली ब्लेंड कर लेंगे। पहले हम पल्स मोड में 1 से 2 सेकंड इसे इस तरह जुमजुम कर लेंगे और उसके बाद 5 से 7 सेकंड्स के लिए इसे 2-3 बार ब्लेंड कर लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहना है हमें। यहाँ पे देखिए, मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और बाइंड भी हो रहा है। बस थोड़ा सा मैं और करूँगी। सो 5 सेकंड के लिए एक बार मैं और ब्लेंड कर रही हूँ एंड इट्स डन। मिक्सचर रेडी है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अगर आप भी इसी टाइप का ब्लेंडिंग जार यूज़ कर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ब्लेंड करें तो लगातार बहुत लंबे समय तक ब्लेंड ना करें। 5 से 7 सेकंड ब्लेंड करें और उसके बाद ब्रेक लें। और फिर क्योंकि ये वाले जो ब्लेंडिंग जार होते हैं इनके जो ब्लेड्स होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, तो इसमें ऐसा ना हो कि जो डेट्स है वो स्टिक हो जाएं। ये देखिए, तो रुक रुक के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आसानी से ब्लेंड हो गया है एंड इट्स डन। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब इस मिक्सचर का टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो कि ये ड्राई है तो आप 1/2 टीस्पून के करीब मेल्टेड घी डाल सकते हैं जिससे अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और वैसे भी आप डालना चाहें घी इसमें तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा बट ज़्यादा नहीं। और बस अब इसके आराम से लड्डू बनाएं। लड्डू बना के आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। आप इसे वीकली बना सकते हैं, 1 वीक तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में लें या फिर एज अ इवनिंग स्नैक्स इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। गाइस, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड टैप द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनादर रेसिपी। अंटिल देन टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।